मेरे मैके वालों ने हमको बहरा घोषित कर दिया। बहरा इन्हें क्या हो गया? बुआ बहरा घोषित कर दिया तुम सबने हमको मिलकर। अरे हमारे दसवीं का सब जाने छोटे में बहरों का होगा रखते बहरों। आज इतनी भयंकर ठंड है। ठंडू कर ली? ठंडू कर ली? नहीं कर ली? हन्नू नहीं करोगी? चलो हम हन्नू करा दे। ऐसे ही रहोगी? आज नेहा मेरी किचन में नहीं घुसेंगी, निकलो बाहर। आज भैया बहुत ठंड है, सबसे ज्यादा आज ठंड है। बाहर का वेदर दिखाती हूँ, टाइम हो रहा है 12:30 हो रहा है और 12:30 बजे के बाद आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। अभी भी बहुत कोहरा है, बहुत ज्यादा ठंड है। आज लास्ट दिन डे है मेरा मायके में, कल भाग जाऊंगी अपने घर। अपने घर देखिए बहुत ज्यादा ठंड है आज ना। इनर तो मैं पहने ही हूँ, साथ में आज मैंने कार्डियन भी पहना है, स्वेटर, क्योंकि मैं कभी भी दो चीज़ें एक साथ नहीं पहन पाती थी, मुझे बहुत उलझन होती थी। पर आज ना इतनी ठंड है कि अभी भी लग रहा है कि शॉल ओढ़ लूँ, बहुत ठंड है आज। मुझे लग रहा है आज अब तक की सर्दियों का सबसे ठंडा दिन आज है। आगे और होगा तो पता नहीं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आज मेरा बेटा भी कह रहा था, मम्मी आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। और पता है ये मेरे वाइट, सॉरी गोल्डन, इसमें वाइट तो नहीं है पूरे पर गोल्डन है। आद्या लेटी थी तो कह रही थी, बुआ वाह आपके तो गोल्डन हेयर हैं, गोल्डन हेयर कैसे हुए? मैंने कहा सोने के बाल लगवा लिए। गोल्डन हेयर। बहुत ज्यादा ठंड है। और ये देखिए ये मम्मी ने लगाया हुआ है, गुरिच की बेल लगवाई हुई मम्मी ने। ये मैं थोड़ी सी ले जाऊंगी काट के, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी, क्योंकि ये बहुत सारी है। देखिए बहुत सारी है, ये देखिए, ये मैं ले जाऊंगी और इसका काढ़ा बना के पीऊंगी, बहुत फायदा करती है। और अभी ठंड है ना तो ये गर्म होती है, तो ठंड में दिक्कत भी नहीं करेगी, पर गर्मियों में ज्यादा गर्म करती है। और भैया ठंड के मारे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और आज है मिंगौड़ा डे, मतलब मिंगौड़ा डे का आज है, मिंगौड़े बनेंगे आज, मूंग दाल के मंगौड़े और खिचड़ी बनेगी कल। अरे ठंड के मारे ना मुंह चल रहा है ना हाथ चल रहे, देखिए कैसी हालत है आप लोगों की। और यहाँ पे देखिए मेरी रोज किचन में चार चार लोग इकट्ठे चले घुस जाते हैं, ये देखिए। मेरी ने यार चाय छान रही है, चाय पिलाए वो बिट्टी, वो बिट्टी चाय पिलाई वो, इन देखो इन देखो, रुक जाओ तो मैं देखा ना मैं चाय। सही कह रही हो। सब्जी क्या बन रही है? आलू मटर, आटे की सब्जी, आलू की रोटी। अच्छा आटे की सब्जी, आलू की रोटी। आलू की तो रोटी बनती है, आटे की भी सब्जी बनती है वैसे। बहुत ठंड है यार, मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे रखे। सुबह भाई बोला दीदी मेरे ऊपर से कपड़े ला दो, यहाँ पीछे की तरफ लॉन्ड्री एरिया की तरफ नेहा डाल देती रात में सबके कपड़े, क्योंकि बाहर रोज गिरती है। लेने आए तो मुझे खुद ही नहीं पता कि कपड़े गीले हैं कि मेरे हाथ ठंडे हैं। नीचे गए तो सारे कपड़े गीले उठा रही हो तुम, और अभी भी वो फैले नीचे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गर्मा गर्म चाय धुआं निकल रहा है, तुम पिया मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। और पता रात को ना मेरी सहेली आई थी ममता, इतना हंगामा किया हम लोगों ने, इतना हंगामा किया गली मोहल्ले के लोग निकल के देखने लगे कि क्या हो रहा है, किसी घर में कुछ हो गया है क्या, इतना हंगामा किया। और उसके बाद में 12 बजे गई और अभी फिर जा रहे हैं उसके घर सुबह से, और फिर उसको लेके आएंगे, फिर हंगामा मचाएंगे। नीचे नहीं है गोपाल, सुबह मांगे थे ना गोपाल। अब हमें ना पता गोविंद के कौन से गोपाल को, सबरे गोविंद के ही लेके चले जाओ, जो गोपाल के लेके वो सब गीले। कह रहा तुम कहा लेके आई हो, तो गीले गीले कपड़े ले आई हो, क्या मेरे हाथ ठंडे कपड़े गीले, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम तो फिर पता मुंह में लगा के देखते हैं।
हाँ चाय पियेंगे चाय। पता है सर्दियों में चाय इतनी जल्दी ठंडी होती है, अगर इसको एक मिनट के लिए बाहर छोड़ दो ना बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। मैं बिस्किट नहीं खाता, नमकीन मैंने खा लिया क्योंकि खाली से गुंजन हो रही थी। बुआ तेल वाली बार दे बार दे बार दे बार दे बार दे। ये दाना खत्म करना आज, ये दाना नहीं यहाँ खत्म करेगी क्योंकि अनार के अनार इतना सारा खाऊंगी ना तो पतली प्रॉब्लम करेगी, पतली हो जाऊंगी। पतले तो होएंगे, ये अगली बार आएंगे ना तो पतले ही होंगे, नेहा से भी डाउन मार के आएंगे। सही है भाई कपड़े आ रहे हैं आपको, ये सही कही। अब आप जब मैके आया करेंगे ना कपड़े लाने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, हो जाएगी। क्या कर रही बुआ? हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? और इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या ही बताऊं, बताने की क्या बात है भाई। ठंड तो सब जगह पड़ रही है तो सभी को ठंड लग रही है, पर हम लोगों की एक हैबिट होती ना कहने की कि क्या ही बताऊं, इतनी भयंकर वाली ठंड पड़ रही है। बाप रे कैसे काम कर रहे हैं हम लोग घर के, भगवान हम ही लोग जानते हैं। और यहाँ पर देखिए मस्ती मजाक भी चल रहा है साथ ही साथ काम भी चल रहे हैं। और मेरी नेहा को आज कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं मिली है, उसके लिए जगह कम पड़ गई है तो वो ना इसके ऊपर बैठी है, अलमारी कवर के ऊपर बैठी हुई है और बस लंच की तैयारी हो रही है। ओ तो आ गई हूँ किचन में और बनने वाली है सब्जी, तैयारी देखिए पूरी लगी रखी है। बुआ ने सब्जी सब काट दी है, हरी मिर्च से लेके अनार तक छील दिया है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, आलू है, छील के धो के सब रख दी है। और बस अब मैं बनाऊंगी सब्जी और यहाँ पर छील रही है मटर, मेरी मम्मी भी आ गई है। बस सब्जी बनाऊंगी फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारियां बुआ ने लगा दी हैं और चाय वगैरह पीने के बाद आ गई हूँ किचन में, फटाफट से बना लूँ सब्जी। और शायद आज बन रहा है सब्जी पराठे, और मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि मायके में ना ये कई दिन की वीडियो मैं बना के रखी हुई थी। अब तो मैं अपने घर भी वापस आ चुकी हूँ बट ये भी दो वीडियोज़ अभी और बाकी हैं मायके के, तो मैं भूल भी गई थी कि क्या क्या बना था। शायद टमाटर आलू की सब्जी और शिमला मिर्च आलू की सब्जी पराठे बने थे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सब्जी छोंक दूंगी, शिमला मिर्च आलू की और टमाटर की सब्जी तो मैंने बना दी है। पता नहीं मुझे याद नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, कुकर में आलू उबल रहे हैं कि मैंने सब्जी बनाई है मुझे खुद नहीं याद है। और यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था क्योंकि कढ़ाई नेहा ने रखी थी गर्म होने के लिए और तेल भी नेहा ने ऐड किया था तो तेल काफ़ी ज़्यादा लग रहा था सब्जी के अकॉर्डिंग, तो मैंने एक्स्ट्रा तेल सारा हटा दिया है और जितनी ज़रूरत उतनी मैं सब्जी छोंकूंगी। तो हींग जीरा ऐड किया है और उसके बाद में यहाँ पर आलू ऐड कर दिए हैं। तैयारी सब बुआ लगा देती हैं, बस मुझे केवल ये रहता है कि चलो छोंक दूँ। और ऐसा भी नहीं है, जब कभी कुछ रेसिपी बनाती तो ही मैं बना लेती हूँ, बाकी फिर नेहा बना ही लेती है। तो यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर दी है मैंने और इनको अच्छे से चला दूँगी और उसके बाद में मसाले ऐड करूँगी। देखिए स्पाइसेस बॉक्स भी खाली हो रहा है, हल्दी ख़त्म हो गई है और अभी हल्दी और ऐड करूँगी, पहले हल्दी का पैकेट निकलवा लूँ। और यहाँ पर देखिए धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक सब कुछ ऐड कर दिया है। इनको बहुत अच्छे से भूनेंगे आलू को मसाले के साथ में, काफ़ी अच्छे से इन्हें भूनेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, इनको लगातार चलाते रहेंगे। और ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद आती है, शिमला मिर्च आलू की, और शिमला मिर्च आलू की जिसमें आलू नहीं पड़ते ना उसमें प्याज वगैरह से बनती, वो भी मुझे बहुत पसंद आती है। एक्स्ट्रा हल्दी अभी मुझे ऐड करनी थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी है। और इसमें एक छोटी सी कटोरी भगवान जी की भोग वाली थी, उसी से मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और फाइनली देखिए ये सब्जी जो हमारी है ना बनकर तैयार हो गई है, मैंने इसको ढककर बनने के लिए रख दिया था। तो मम्मी आ गई हैं क्योंकि भाई खाने का टाइम हो गया है। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, वो सीधे ये शाम का वीडियो है। आंटी आई हैं मुझसे मिलने और
ये मेरी फेवरेट आंटी हैं। यहाँ पर देखिए खिचड़ी की तैयारी हो रही है, मतलब एक दिन पहले का है, जिस दिन मंगोड़े बनाए जाते हैं ना लोहड़ी वाले दिन, उस दिन का है। और यहाँ पर तस्सू भी आ गई हैं घूमघाम के मोहल्ले से, और बांटने के लिए खिचड़ी दान करने के लिए यहाँ पर मम्मी और नेहा मिलकर पैक कर रही हैं। क्योंकि देखिए कस्बों की तरफ ना टाउन एरिए में बहुत ज़्यादा मांगने मतलब दान पुण्य किया जाता है, और दरवाजे पे भी बहुत सारे लोग आते हैं। और शाम में ये मिंगोड़े की तैयारी चल रही थी, मैंने नेहा के फ़ोन में मिंगोड़ों की क्लिप शूट की थी, लेकिन नेहा ने डिलीट कर दी और मैं कानपुर आ चुकी थी। जब मुझे याद आई तो नेहा को फ़ोन किया, तो नेहा बोली दीदी काफ़ी सारे वीडियोस थे तो मैंने फ़ोन से डिलीट किया, तो उसी में आपकी क्लिप भी डिलीट हो गई है। चलिए कोई नहीं, फाइनली यहाँ पर देखिए तैयारी हो गई है, और दही बड़े की दाल भी लगा के पीस के रख दी है मैंने। और ये है मिंगोड़े की दाल, ये है दही बड़े की दाल। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।